सच बात ये है कि कल रात से मुझे बहुत बुखार है, की नाम है तुम्हारा? बिस्तर में पड़ा हुआ था। रात को युद्धवीर भाई से बात हुई, सारी रात देखता रहा गाजीपुर में क्या हुआ क्या हुआ, रख दिया ने। और उसके बाद जो स्थिति बनी मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कहा डॉक्टर साहब इतनी दवाई दे दो कि दो घंटे के लिए मैं गाजीपुर होके आऊं, इसलिए आपके बीच में आया हूं, सिर्फ इतना कहने के लिए किसान एकता साथियों। फोन किसी भी बहुत बड़े युद्ध में एक ऐसी लड़ाई होती है जो सारा मामला पलट देती है। चाचा मेरे को फोटो मतलब बताना कौन सी थी? हमने इतिहास पढ़ा था दूसरे विश्व युद्ध में हिटलर आगे बढ़ता गया, जर्मनी पोलैंड चेकोस्लोवाकिया सब आगे बढ़ता गया, जब रूस में जाके पहुंचा तब असली लड़ाई हुई और वहां से हिटलर के पांव उखड़ने शुरू हुए तो उखड़ते गए, पीछे आता गया पीछे आता गया पीछे आता गया। जब इस देश में किसान आंदोलन का इतिहास लिखा जाएगा तो ये कहा जाएगा कि गाजीपुर की जो लड़ाई हुई थी उसने किसान आंदोलन के इतिहास को पलट दिया, और वहां से जब इनके पांव उखड़ने शुरू हुए तो बस उखड़ते गए उखड़ते गए उखड़ते गए। पिछले 72 घंटे से जो षड्यंत्र रचा गया है इस देश में किसानों के साथ किसान आंदोलन के साथ, वो षड्यंत्र क्या था? षड्यंत्र ये था कि एक मौके का फायदा उठाओ। 2 महीने से जो किसान आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से, जो ऐतिहासिक किसान आंदोलन दिल्ली के बॉर्डर पे चल रहा है, जिसके सामने सरकार के पास कोई तर्क नहीं है, कोई जवाब नहीं है, सरकार के पास नैतिकता नहीं थी, तो सरकार को बस सिर्फ एक वीडियो की जरूरत थी। जहाँ डंडा काम ना करे लाठी काम ना करे वहाँ वीडियो काम करती है आजकल के जमाने में। और मैं पिछले 2 महीने से अपने साथियों को बोल रहा हूँ, मेरे भाइयों, कुछ ऐसी ऊंच नीच हमारे से ना हो जाए जिसकी वीडियो को ये 10 लाख बार चलाएंगे और किसान को बदनाम करेंगे। बस 26 जनवरी को इनको ये 2 वीडियो मिल गई। वो वीडियो हमारी नहीं थी, किसान की नहीं थी, किसान आंदोलन की नहीं थी, लेकिन इनके हाथ में बहाना लग गया। और उसके बाद षड्यंत्र ये था पिछले 72 घंटे का कि बस अब मौके का फायदा उठाओ और किसान आंदोलन को उखाड़ दो जड़ से। ये षड्यंत्र पिछले 72 घंटे से खेला जा रहा है। मैं आपसे पूछता हूँ मेरे भाइयों और मेरी बहनों, पिछले 72 साल से इस देश में गणतंत्र दिवस मन रहा है, आप मुझे बताओ क्या इससे पहले कभी भी आपने दिल्ली की सड़कों पे इतने ज्यादा तिरंगे देखे हैं क्या? हाथ उठा के बताओ इससे ज्यादा तिरंगे देखे थे? जिंदगी में मैंने कभी इतने तिरंगे नहीं देखे 26 जनवरी को। और जो किसान लाखों तिरंगे लेके दिल्ली में घूम रहा है उसके ऊपर आप आरोप लगाते हो कि उसने तिरंगे की बेअदबी की, डूब मरो शर्म से। यह षड्यंत्र था इनका, तिरंगे लेके दिल्ली की सड़कों पे उतरने वाले किसान को तिरंगे का दुश्मन बताते हो, किसान को देशद्रोही बताते हो। मोदी जी सुन लो साफ, योगी जी सुन लो साफ, जिस दिन किसान देशद्रोही हो गया ना उस दिन ये देश बचेगा नहीं। ये देश किसान पे टिका हुआ है, किसान की देशभक्ति पे देश टिका हुआ है। और कुछ भी कर लो, मुझे गाली दे लो,
राकेश टिकैत को गाली दे लो, भाई तेजेंद्र बेरके इसको गाली दे लो, किसान को गाली मत दो आप, किसान को गाली मत दो, किसान नहीं बचेगा तो ये देश नहीं बचेगा। पिछले 72 घंटे से ये षड्यंत्र था और इनका पुराना स्टाइल है, ये चार दिशाओं से हमला करते हैं। ध्यान से गिन लेना, चार दिशाएं बार बार होता है। सबसे पहले मीडिया जमीन तैयार करवाते हैं अपना काम करने से पहले। ये जो हमारे पत्रकार साथी हैं इनको मैं दोष नहीं देता, ये तो अपनी कंपनियों के मुलाजिम है, अपनी तरफ से ईमानदारी से काम कर रहे हैं। लेकिन ये खेल जो होता है, सबसे पहले मीडिया से गाली दिलवाओ और जमीन तैयार करो, उसके बाद अपने गुंडे भेजो आगे। पहले गुंडे आते हैं, गुंडे भेजो, गुंडों से पत्थर चलवाओ, तो मीडिया से गाली दिलवाओ, गुंडों से पत्थर चलवाओ, उसके पीछे वर्दी में पुलिस को भेजो। तीसरे नंबर पे पुलिस आती है वर्दी पहन के, और चौथे नंबर पे काला कोट लेके वकील आते हैं कि आपको ये केस आपके खिलाफ हो गया, वो केस आपके खिलाफ हो गया। पिछले 72 घंटे में चारों खेल खेल लिए इन्होंने। मीडिया की तरफ से क्या क्या गाली ना दिलवाई किसानों को, सारे पूछ पूछ के मेरे को, अरे योगेंद्र जी ये हो गया, चोरी चोरा कांड हुआ था, महात्मा गांधी ने आंदोलन वापस ले लिया था, अब आप आंदोलन वापस ले लो। मैंने कहा भाई नीचे कर, अगर आपको लाल किले में जो बेअदबी हुई है, और लाल किले में बेअदबी हुई, लाल किले में इस देश की बेअदबी हुई है, लाल किले में जो हुआ उससे हर हिंदुस्तानी का सर नीचे हुआ है, अगर भाई आपको लाल किले की चिंता है तो जरा ये भी पूछ लो, अगर आप कहते हो कि लाल किले में जो हुआ उसकी वजह से किसान आंदोलन वापस हो जाना चाहिए, तो मेरे भाई लाल किले में जो हुआ उसकी वजह से प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। मान लिया कि हमारे कुछ किसान ट्रैक्टर लेके रिंग रोड पे आ गए, मेरी गलती है, मेरे को सजा दे दो, मेरे को सजा दे दो, राकेश टिकैत को सजा दे दो, लेकिन मेरे भाई वो वाले लोग लाल किले के अंदर कैसे घुस गए? किला है ना वो तो, अरे लाल किला कोई सरकारी बिल्डिंग नहीं है जिसके 100 गेट होते हैं, किला है वो, किले के अंदर कैसे घुसे? लाल किले में पुलिस नहीं, आर्मी बैठी हुई है, जहां आर्मी है पुलिस है वहां ये लोग देशद्रोही कैसे घुसे? वहां उन्होंने तिरंगे के अलावा कोई दूसरा झंडा कैसे फहराया? और उस टाइम पुलिस बैठी हुई क्या कर रही है? पुलिस बैठी हुई क्यों दिख रही है? जो पुलिस कल शाम को मेरे बड़े भाई राकेश टिकैत को कहती है तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, भागो यहां से, नहीं तो, वो पुलिस वहां पे कुर्सी पे क्यों बैठी हुई थी लाल किला के अंदर? जवाब दे इसका मोदी जी। तो पहला सवाल मीडिया ने उठाया, मैंने मीडिया वालों से कहा भाई थोड़ा सा हिम्मत करके ये भी पूछ लो ना कि ये दीप सिद्धू कौन है, ये दीप सिद्धू प्रधानमंत्री के साथ फोटो कैसे खिंचवाता था, अमित शाह के साथ फोटो इसकी कहां से आई थी, जरा ये सवाल पूछने की भी हिम्मत कर लो मीडिया वालों। तो पहली दिशा से हमला मीडिया से, मीडिया से गाली, किसान देशद्रोही, किसान ने ये कर दिया, आंदोलन वापस लो, आंदोलन वापस लो, आंदोलन वापस लो। उसके बाद गुंडों से हमला। मैं बताना चाहता हूं सबको, अभी सूचना नहीं होगी, आज सिंगू बॉर्डर में बीजेपी आरएसएस लोगों ने अपने 400 गुंडों से सिंगू बॉर्डर के ऊपर अटैक करवाया है। और आप सुन लेना, मैं अभी एनडीटीवी की खबर देखते हुए आ रहा था, पहले 200 गुंडे इकट्ठे हुए, 400 गुंडे इकट्ठे हुए, दिल्ली की तरफ से सिंगू बॉर्डर की तरफ चलते गए, पुलिस ने नहीं रोका उनको। 2 किलोमीटर का फासला है, 2 किलोमीटर पैदल चलने दिया, पुलिस ने रोका नहीं उनको। वो अपने साथ माइक सिस्टम की गाड़ी लेके जा रहे थे, गाड़ी को भी नहीं रोका। जिस इलाके में कोई गाड़ी नहीं चल सकती वहां पे इन गुंडों को अपनी गाड़ी लेके जाने दिया पुलिस ने। और जब वहां पहुंचे तो इन्होंने सिंगू बॉर्डर पे पथराव शुरू किया।
और अब मीडिया इसको कैसे दिखा रहा है, स्थानीय लोगों और किसानों के अंदर टकराव हुआ। अरे भाई, कोई स्थानीय लोगों से टकराव नहीं हुआ, ये बीजेपी आरएसएस के गुंडे थे, ये बिना वर्दी में आए हुए गुंडे थे। इन गुंडों के साथ इन गुंडों ने हमला किया किसानों पे। सच्चाई ये है, और ये किसी नाम का ना लो भाई, किसान एकता का नारा पर। और वो एक हमला, पहला हमला मीडिया से, दूसरा हमला गुंडों से, उसके बाद आएगी पुलिस, जैसे आई यहाँ के ऊपर। यहाँ पे पुलिस आई और जिस तरह से आप लोगों ने उसका मुकाबला किया, ये इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। मैं अपने बड़े भाई राकेश टिकैत को, अपने भाई तेजिंदर विर्क को और तमाम साथियों को बधाई देता हूँ, आपने जिस तरह से पुलिस का मुकाबला किया। तीसरी पुलिस, और चौथा काले कोट वाले पुलिस के वकील के मुकदमे। अब क्या कह रहे हैं, यूएपीए लगाएंगे, सब पे मुकदमा लगा दिया, इनपे भी मुकदमा है, मेरे पे भी मुकदमा है, सबके ऊपर मुकदमा लगा दिया है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है भाई, मुकदमे लगाओ। लुकआउट नोटिस दिया। लुकआउट नोटिस किस पे होता है, कोई भगोड़ा जब देश छोड़ के भागने लगता है, उसको एयरपोर्ट में रोकने के लिए, उसको देश छोड़ के भागने पे रोकने के लिए लुकआउट नोटिस दिया जाता है। तो हम लोगों के बारे में लुकआउट नोटिस दे रही है पुलिस, कहती है। मैं दिल्ली पुलिस से अनुरोध करता हूँ भाई, लुकआउट की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ से लुकआउट कर लो, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। कौन सा लुकआउट करोगे तुम? कोई राकेश टिकैत ये देश छोड़ के नहीं भाग रहा, कोई तेजिंदर विर्क ये देश छोड़ के नहीं भाग रहा। यहीं पे है मेरा देश, है तुम्हारे बाप का देश नहीं है, मेरा देश है, यहीं पे रहूंगा, यहीं लड़ूंगा। लुकआउट नोटिस देते हो हमारे बारे में? तो इन तमाम लोगों को पुलिस का जो खेल खेला जा रहा है उसके बारे में, तो ये चार दिशाओं से हमला हो रहा है मेरे दोस्तों, और किसानों ने इन चारों हमलों का जवाब दे दिया। योगेंद्र सर, तमाम नेता हमें समर्थन देने के लिए आ रहे हैं। समर्थन देने वालों का सबका स्वागत है, जिस भी झंडे से हो, जिस भी उसमें हो, किसान के पीछे कोई खड़ा हो, सबका स्वागत है। तो दोस्तों, मैं आपको कह रहा था कि चार दिशाओं से किसान पे पिछले 72 घंटे में इनने हमला किया। हमारे साथी भी बीच बीच में थोड़े से मायूस हो गए, हो जाता है कई बार, साथी मायूस भी हो जाते हैं हमारे। निकाल दो। लेकिन एक बात बताता हूँ, कल आपने जिस तरह का संघर्ष किया है, उससे पूरे देश के किसान में हिम्मत दोबारा आ गई है, सारे किसान उठ उठ के चलने शुरू हो गए हैं। और मेरे भाई राकेश टिकैत जी, भाई पीछे बैठे हैं, राकेश टिकैत जी, आपके चार बूंद आंसू ने, मेरे भाई राकेश टिकैत के चार बूंद आंसू ने किसान के ऊपर जो कलंक लगा था उसको चार बूंद से धो दिया है, आपने खत्म कर दिया। अब किसान बैकफुट पर नहीं है, अब किसान पीछे नहीं है। हमने खुद बोला है, आप मेरे को बताओ देश का कौन सा आंदोलन है जो ये काम करता है। हमने कहा कि लाल किले में जो हुआ, जो दिल्ली की सड़क पे हुआ, हमने नहीं करवाया, किसान आंदोलन ने नहीं करवाया। राकेश जी, बना राकेश जी, 14 जनवरी को, यानी कि आज से 2 हफ्ता पहले, कोई संगठन था जिसने कहा था कि जाके इंडिया गेट पे खालिस्तानी
झंडा लगाओ। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था ये लोग किसानों के दुश्मन है, इनके साथ हमें नहीं रहना। हमने नहीं करवाया, लेकिन फिर भी हमने कहा कि इसकी नैतिक जिम्मेवारी हम स्वीकार करते हैं। आप मुझे बताओ मेरे दोस्तों, कौन सा आंदोलन इस देश का है जो जिसने जो ना किया उसकी भी जिम्मेवारी को भूल गया। सिर्फ किसान आंदोलन ने एक बड़ा दिल दिखाया और कहा कि हमने जो नहीं किया, लेकिन दरी हमने बिछाई थी उसके ऊपर अगर तांडव हुआ तो दरी बिछाने के नाते हम अपनी जिम्मेवारी स्वीकार करते हैं। और हमने कहा कि 30 जनवरी को शहादत दिवस है, 30 जनवरी को हमें को पास रखेंगे, संकल्प लेंगे, हम अपनी जिम्मेवारी स्वीकार करते हैं। तो देश का कोई आंदोलन नहीं है, किसानों को छोड़ के कोई आंदोलन नहीं होगा जिसमें कोई नेता लोग कहे कि जो मैंने ना किया उसकी भी जिम्मेवारी मैं कबूल करता हूँ। लेकिन इस किसान आंदोलन ने ये किया है। इस सब के बावजूद सरकार सोच रही है कि तोड़ लेगी हमारे को, तोड़ने में सफल नहीं होगी मेरे भाई। तो आखिर में मैं आप सबसे बस एक दो अपील करना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से। मेरी आवाज जहां जहां तक पहुंच रही हो, देश के हर किसान के घर में पहुंच रही होगी, उसको मैं अपील करना चाहता हूं। पिछले 2 महीने देश के सब किसान आए, बैठने भी आए, समर्थन करने भी आए, लंगर खाने भी आए, थोड़ा बच्चों को घुमाने के लिए भी ले आए थे। लेकिन आज आपकी जरूरत है। देश के किसान के जिस जिस घर में मेरी आवाज जा रही है, मेरे किसान भाइयों बहनों, आज अपनी फैमिली के एक मेंबर को यहाँ भेजो। आज आंदोलन को जरूरत है। जिस तरह से पिछले 24 घंटे में आपने भेज के योगी और मोदी सरकार के मंसूबे को नाकाम किया है, उस तरह से हर मोर्चे पे भेजो। ये आपने मेरठ, बागपत, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर आपने तो सबने सोच लिया है, आपकी तो ड्यूटी इस मोर्चे पे बनती है। लेकिन जो करनाल में है, पानीपत में है, सोनीपत में है, जो और नजदीक वाले हैं, उनको मैं कहूंगा आप इधर मत आओ, आप सिंगू बॉर्डर पे पहुंचो। क्योंकि अब ये सरकार अपनी नीचता पे उतर आई है, अब ये हिंदू सिक्का खेल कराने वाली है। ये हिंदू सिक्का खेल कराना चाहते हैं, इसलिए करनाल, पानीपत, सोनीपत और उससे जुड़े हुए हरियाणा, उत्तर प्रदेश के साथियों को मैं कहूंगा आप गाजीपुर में आओ, आप सिंधु बॉर्डर पहुंचो, वहां खड़े हो किसानों के साथ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आप वहां पहुंचो ताकि इस मामले को पंजाब हरियाणा का मामला ना बनाया जा सके, ताकि इसको हिंदू और सिख का मामला ना बनाया जा सके। जहाँ एक सिख भाई खड़ा हो उसके साथ 2 गैर सिख भी खड़े हो, ये कहने के लिए कि ये देश के किसान की लड़ाई है, किसी धर्म की लड़ाई नहीं है। हमारे टीकरी बॉर्डर पे हरियाणा के बहुत साथी पहले से बैठे हैं, वहाँ हरियाणा भी है, पंजाब भी है, शाहजहांपुर मोर्चा जहाँ मेरी ड्यूटी लगी हुई है, वहां पे भी मैं कहूंगा भाई ये भिवानी के लोग, नारनौल के लोग, रेवाड़ी के लोग, गुड़गांव के लोग और उसके आसपास पूरे राजस्थान के साथी, जयपुर, दौसा, झुंझुनू, सीकर, आप सब लोग शाहजहांपुर पहुंचो। अगले 3 दिन के अंदर पिछले 72 घंटे में जो षड्यंत्र हुआ है उसको तोड़ने के लिए अगले 72 घंटे में अब हमें सब कुछ ठीक करना है। धार मुड़ गई है, अब स्पीड इसकी बढ़ानी है। गाड़ी तो मुड़ गई है, षड्यंत्र असफल हो गया है और अब इसकी स्पीड बढ़ानी है। तो देश के घर, किसान के घर से एक एक साथी इस मोर्चे पे पहुंचेंगे, मोर्चे को मजबूत करेंगे और इस देश को बताएंगे आप कुछ भी कर सकते हो, किसी को भी बदनाम कर सकते हो, इस देश में किसान को बदनाम नहीं कर सकते, किसान को देशद्रोही नहीं बता सकते। और इस एक बात सुन लो मोदी जी, योगी जी, सब लोग सुन लो,
किसान अपमानित होके और हार के इस मोर्चे से वापस कभी नहीं जाएगा। कुछ भी हो जाए किसान हारेगा नहीं, किसान अपमानित नहीं होगा और अब किसान जीत कर ही जाएगा और कोई रास्ता हमारे पास नहीं है। तो आखिर में मैं गुरु गोविंद सिंह का एक शब्द बोल देता हूँ आपको, दो पंक्ति। गुरु गोविंद सिंह कहते हैं, उन्होंने अपने हाथ से लिखा था एक शब्द, वो कहते हैं देह शिवा वर्मोह अहे। मतलब शिव जी भगवान को याद करते हुए कहते हैं, भगवान शिव अगर तूने मुझे कोई भी वर देना है तो ये वाला वर दे। देह शिवा वर्मोह अहे, शुभ कर्मण से कबहू न डरू, शुभ काम करने से कभी मैं डालू ना, कभी डरू ना उस रास्ते से, कभी उस रास्ते से मैं डिगू ना। न डरो जब अर सही आगे रहो, अरे मतलब दुश्मन, अगर दुश्मन के सामने कभी खड़ा हो तो मैं डरू ना। और आखिर में क्या कहते हैं, निश्चय कर अपनी जीत करो। तो मिलके सब लोग बोलेंगे, बोलेंगे निश्चय कर अपनी जीत करो, भारत माता की, भारत माता की, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। मैं कहूंगा लड़ेंगे और जिस जिसने जीतना है वो बोलेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे।